अब डाउटनट पे आपको मिलेगा क्लास 6 से लेकर आईआईटी जेई तक मैथ के साथ साथ क्लास 10th और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी सवालों का जवाब। डाउटनट एप्लीकेशन से किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचे और तुरंत पाए वीडियो सॉल्यूशन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12th के मैथ का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे होगा ये कि आगे हम जितने भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा कि हमारे चैनल पे सभी वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप सबको देना होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का हिंट यहाँ पे दे देते हैं, इसका आंसर आप सबको देना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि के पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर के पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू जो नीचे होता है उसको रूट एक्स यहाँ पे लिखेंगे बाई रूट एक्स, उसके बाद यहाँ पे डी एक्स लिख देंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ रूट के बदले इसको अगर रूट एक्स को रूट में से हटाना हो तो 1/2x हो जाता है। तो अब हम इसको रूट में से हटाएंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 2x। अब यहाँ पे k का पावर रूट एक्स है तो इस k का पावर रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा हमारा 2k रूट एक्स, उसके बाद जो इंटू में आया था हमारा 1/x डी एक्स, तो 1/x का इंटीग्रेशन आप लोग कीजिए और इसका आंसर मंगा कर हमको सही आंसर कमेंट में बताइए। हम यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं कि इसमें से ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत है, इसमें से या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, यानी बी या डी आंसर हो सकता है इसका। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा ये आप हमको कमेंट में बता दीजिए। और हम यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 1/sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यानी 1/sin x प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ए, यानी 1/√2 log इंटू टेन 1/2 प्लस 1/8 प्लस के। अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि तल r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू p1 और r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू pt के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को देख के मालूम हमको चल रहा है कि ये इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। यह क्वेश्चन जो है यह सिर्फ हमसे फार्मूला पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा b, यानी p1 माइनस p2 का मॉडुलस, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है p1 माइनस p2, उसके बाद इधर एगो डंडा रहता है तो इसको मॉडुलस कहते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अवकल समीकरण दिया गया डी स्क्वायर इंटू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई डी एक्स का पावर 1/2 का घात और कोटि निम्न में से कौन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ए, यानी 4 और 2। अब 5 नंबर को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सदिश वेक्टर ai प्लस a2j a1j प्लस a2j प्लस a3k और b1i प्लस b2j प्लस b3k एक दूसरे के लंबवत है यदि। दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका एक रूल होता है उसको याद रखा जाता है। तो इसका सही रूल होगा हमारा बी, यानी यहाँ पे दिया हुआ है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अगर बराबर होगा तभी यह सॉल्व होगा।
अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यदि आई एक एकांकी अव्ययु है तो कौन सत्य है, यानी हमसे पूछ रहा है कि इफ आई बी आई यूनिट मैट्रिक्स देन विच इज ट्रू। ऑप्शन है आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आई का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, आई का मॉडुलस इज इक्वल टू 2, उसके बाद नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ए यानी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एकांकी मैट्रिक्स का मतलब होता है यानी एक उसके अंदर के सभी प्रोडक्ट 1 हो। दोस्तों ये एक मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का क्यू करेंगे तो भी 1 आएगा। तो हम आई जो मैट्रिक्स है हमारा इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए यानी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1/x (x²-1) और बी में है 1/1+x², सी में है 1/1+x², डी में है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ए यानी 1/x(x²-1)। दोस्तों इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हमको डिफ्रेंशिएशन हमको याद रखना पड़ता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वक्र वाई इज इक्वल टू साइन एक्स के बिंदु 0, 0 पर अभिलंबवत का समीकरण होगा। ऑप्शन है x = 0, y = 0, x + y = 0, x - y = 0। यहाँ पे दे रहा है कि y = sin x यानी यह है ये x हो गया, सॉरी यहाँ पे ऐसे दे रहा है तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो y बराबर कितना दे रहा है साइन x, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 होगा हमारा, x = 0 होगा यहाँ पे, यानी x का मान जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ 0 होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा a यानी x = 0। अब 9 नंबर को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि tan²(x/2) यानी tan²(x/2) का इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन है tan(x/2-x + c), tan(x/2+x + c), 2tan(x/2+x + c) और बी में है 2tan(x/2-x + c)। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा डी यानी 2tan(x/2-x + c)। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, जिस प्रकार tan²(x) का इंटीग्रेशन याद किया जाता है वैसे ही tan²(x/2) का भी इंटीग्रेशन याद किया जाता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यदि a = 1, 2, 2, 1 हो तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर क्या होगा। यहाँ पे ए डी जे जो दिया है इसको फुल फॉर्म में हम पढ़ते हैं एडजॉइंट, यानी यहाँ पे हमको एक मैट्रिक्स दे दिया है इसका एडजॉइंट पूछ रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ए यानी 1-2-2, 1। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे ए बराबर दिया है 1, 2, 2, 1। दोस्तों अगर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ दो ही प्रोडक्ट हो यानी दो ही रो हो, दो ही कॉलम हो, तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे जो तिरछा वाला ये जो होता है इसके सामने हम सिर्फ माइनस लगा देते हैं तो हमारे एडजॉइंट निकल जाता है। तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1-2-2, 1। अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक द्विपद बंटन के माध्य और प्रसरण क्रमशः 6 और 4 हैं तो स्थिर राशि पर चाल n का मान होगा। ऑप्शन है 18, 12, 10 और 9। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ए यानी 18। अब 12 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यह जो है एक मैट्रिक्स नहीं है, यह है डिफ्रेंशिएशन यानी साइन 30° cos 30° - साइन 60° cos
60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान रख लेंगे, यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान रख लेंगे, यहाँ पे माइनस 60 डिग्री का मान रख लेंगे, यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का मान रख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह होगा ए यानी 1। अब 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यह जो डिटर्मिनेंट दिया है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6x, 9x, 12x इसका मान क्या होगा। दोस्तों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका होता है, हम किसी भी रो के एक सदस्य द्वारा उसका मतलब उसको एक्सपेंड करते हैं, या तो उसको रो के एक सदस्य द्वारा करें या कॉलम के एक सदस्य द्वारा करें, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का तरीका होता है, मान लीजिए हम 2 के द्वारा एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको और इसको घेर देंगे, हमारा बच जाएगा 6, 8, 9x और 12। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे इनटू 12x इनटू 6 प्लस 8 इंटू 9x लिखेंगे और इसको बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको बंद करने के बाद हम फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे और अब यहाँ पे हम 5 के द्वारा एक्सपेंड करेंगे तो इसको घेर देंगे, हमारा बच जाएगा 3, 4, 9, 12। इसको भी वैसे ही तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ पे लिख लेंगे और इसको इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वह होगा 0। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इफ़ टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/12 इज इक्वल टू टेन इनवर्स, देन ए वैल्यू ऑफ ए विल बी, यानी यदि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 बराबर टेन इनवर्स हो तो टेन इनवर्स ए हो तो ए का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1/4, 1/2, 3/4 और 1। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 गो टेन है यहाँ पे तो 1 गो टेन को बाहर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स 1 बाहर आ जाएगा, उसके बाद 1/2 प्लस 2/11 है तो इसको लिख लेंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका तो 1 गो टेन हमारा बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स इनटू 1/2 प्लस 2/11। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, कैसे करते हैं तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो 1 में 11 से गुना करेंगे तो 11 आएगा और यहाँ पे माइनस लिखते हैं नीचे, इतना याद रखिएगा कि नीचे माइनस लिखते हैं। उसके बाद 2 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ठीक है, 11 और 4 को यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 2 में क्या करेंगे यहाँ पे 11 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 22। उसके बाद 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा और उसके बाद 11 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 15। उसके बाद 22 में से 2 घटेगा तो हमारा आ जाएगा 20, इसको बाद कटाएंगे तो यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 4, यानी हमारा आंसर आएगा 3/4 टेन इनवर्स। इस सब के पहले हमको टेन इनवर्स लिखना है, यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि इस सब के पहले टेन इनवर्स लिखना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 3/4 है या नहीं, यहाँ पे दिया गया ये ऑप्शन नंबर ए में 1/4 नहीं होगा, 1/2 ये भी नहीं होगा, 3/4 दिया गया है तो हमारा सही आंसर यही होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देख लें, 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे मतलब शर्त दिया है एक्स का मॉडुलस बड़ा होगा 1 से, तो साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1/
रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन बाई वन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और बी में है और सी में है वन बाई रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डी में है एक्स बाई रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा डी, यानी एक्स बाई रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि माना कि आर एक्स संबंधी इस प्रकार है कि अल्फा आर बी यदि अल्फा बीटा पर लंब है जहां अल्फा बीटा एक तल से सरल रेखा है तो संबंध आर क्या होगा। ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नन ऑफ दिस। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा बी, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हमारा ये। अब 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर यहाँ पे एक रिलेशन दिया है 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1, यह समुच्चय है ए बराबर 1 2 3 4 पर एक संबंध है तो आर संबंध होगा। ऑप्शन है फंक्शन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और नॉन ऑफ दिस। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा डी, यानी नॉन ऑफ दिस। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के बराबर क्या होता है। ऑप्शन है 0 1, के मॉडुलस का होल स्क्वायर, और डी में है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा जी ए, यानी 0। हम किसी भी वेक्टर को उसमें उतना ही से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है, यानी आई क्रॉस आई भी करेंगे तो हमारा मान 0 आएगा, जे क्रॉस जे भी करेंगे तो हमारा मान 0 आएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सदिश 5i + j - 3k और 3i - 4j + 7k का अदिश गुणनफल क्या होगा। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट। दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट में होता है मतलब डायरेक्ट गुना कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद जोड़ घटाव करके जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे 5 है और 3 है तो 5 3 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -4 है तो 1 + 1 - 4 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा -4, और यहाँ पे -3 है + 7 है तो -3 में + 7 में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस आएगा हमारा 21। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 - - - हो जाएगा 21 में 21 4 25 हो जाएगा, तो 25 में से 15 घटेगा तो हमारा आ जाएगा 10, यानी -10 होगा हमारा इसका सही आंसर। देख लेते ऑप्शन में है +10 है नहीं होगा, -10 है तो यही होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है। ऑप्शन है फंक्शन डैश फंक्शन x + c। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा डी, यानी फंक्शन x + c। अब 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यदि a एक वर्ग अव्ययीय है कि a² = a हो तो 1 + a³ - 7a का मान क्या होगा। ऑप्शन है a 1 - a 1 3a। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा a। अब 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पी ए बराबर दे दिया है 0.8, पी बी बराबर दे दिया है 0.5 एंड पी इंटू पी ए बाई पी बी बराबर 0.4 दिया है तो पी इंटू ए बाई बी क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है पी बराबर यहाँ पे लिखेंगे पी बी बाई ए बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन पी बी बाई यहाँ पे जो रखते हैं वही होता है पी बी। तो पी ए बराबर दिया है 0.8 × 0.5 तो गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 × 5 = 40/10 यानी 4 आ जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं,
ऑप्शन में यहाँ दिया गया 0, 1/2, 1 और नन ऑफ दीज, तो इसमें से इसमें से कोई नहीं होगा हमारा आंसर। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा बी यानी 0.64। अब 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर भी हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ये फंक्शन दिया गया है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन है 0, 1/2, 1 नन ऑफ दीज। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा बी यानी 1/2। अब 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि साइन के पावर 5x का इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन है 0, π/2, 1π। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ए यानी 0। अब 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि तल 7x + 4y - 2z + 5 = 0 पर अभिलंब का दिक कोज्या क्या होगा। ऑप्शन है 7, 4, 5, 7, 4 - 2, 7, 4, 2, 0, 0, 0। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा बी यानी 7, 4 - 2। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं कि हम आपको जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं वो सब आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।